हम डिस्कस करेंगे आज कुछ चीजें सर जो बहुत काइंडली इम्पोर्टेंट काइंडली रिकॉर्ड का जो दबो या साइन वरी पक्ते कम दिन दिया शे ताहिर बैठा है हो ये को यस सर लेक्चर आई देना हूँ। पे लेक्चर देव बहन के बुद्ध कोर्सा या ना यस सर बुद्धू अगर हर नेटवर्क इश्यू बारे थी तो ना उन्हें हर बारे ना नेटवर्क तो इशू थी ने मुझे नंबर आए था नंबर कांटेक्ट था आए आए था आए। काशे रहे यस दिन सर डायरेक्ट हो मुखे पूछा करे बैठो मुखा अच्छा केड़ी केड़ी जी के पॉइंट्स रे जी हुई हुई उनको डिस्कस करे बैठो डायरेक्ट आए स्पेसिफिक रिलीफ एक्टिव नो सर बेरे कन्या ना आए तो हैदराबाद अच्छे डायरेक्ट में वर्क। बैठो डायरेक्ट बैठो किताब बैठो यस सर सिर्फ रिकॉर्डिंग ही इन ते डिपेंडेंट आए थे ना पुट किताब वठो सेक्शंस यस सर किताब डिस्कस इतना थन ध्यान उमरकोट में मिले कौन पे हैदराबाद में आए इंशाल्लाह वो वठना नेट एक ते बजे में। दिसो नेट ते दिसो डाउनलोड करे बैठो ठीक है ना सही है सेक्शंस ही सर तांके पढ़ाई दस ना वहां जेके सेक्शन किताब है उनमें जेके सेक्शन लिख रहे हैं उनके पढ़ाई दस ना मता तो बी को नहीं का केड़ा पांदा काम से उठाए करे कौन बुझाई दस ना पुट अच्छा चलो सही है सर लाजमी है माने रिकॉर्डिंग हर वारे ता जी माने केंजी केंजी फरमाइश अची वेंदी है रिकॉर्डिंग कयो ही कयो हूं कयो जेकी जेको बुक है फोर्थ ईयर जो स्टूडेंट जेकडे हाने वो रिकॉर्डिंग ते रिलाय कंदो तो को हाने बेन जो छा थिंदो ता किताब के दिसो किताब वठो डाउनलोड कयो स्पेसिफिक इफेक्ट वो पढाया पियो सेक्शंस वाइज पढाया पियो उनके जेकी गाल नथी समझ में अचे मुझे तार कांटेक्ट है नंबर है तार डायरेक्ट कॉल कयो मुखा ता पुछा कयो छा है छा कोने बुदाइंदस ता के या ना अरुबर रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग सब पयो जन एग्जामिनेशन रात यो रिकॉर्डिंग वही करे बुद्धि करे परे सुबह पेपर देनो है बस सबनी जा ये कांसेप्ट नहीं है हाँ अच्छा जो आज जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो इंडेक्स है और उससे अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो सबसे पहले ये है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो इज ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इज नॉट एन एग्जॉस्टिव इन नेचर। ये एग्जॉस्टिव इन नेचर का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने तो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जब प्रीएम्बल आप उसने जब आप आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हुआ होगा कि एग्जॉस्टिव इन नेचर क्या क्या मतलब होता है। एग्जॉस्टिव इन नेचर का ये मतलब होता है कि कोई भी एक्ट जो पूरी तरह वो उस सात चीजों को कवर नहीं कर रहा हो मकसद उसमें सारी जो भी चीजें हैं जो भी कॉन्सेप्ट हैं या इट मींस एक वो खुद से एक फुलफिल ना हो कंप्लीट ना हो वो एक कंप्लीट ना हो वो कुछ चीजों पे कुछ चीजों की जो है वो उस पे बात हो रही हो उसमें मसलन अब जब हम इसका प्रीएम्बल जब हम पढ़ेंगे तो अब देखें मैं स्टार्ट भी प्रीएम्बल से ही कर रहा हूँ जब प्रीएम्बल हम इसका पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रीएम्बल वेयर इज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऑब्टेंड इन सिविल सूट्स ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ तो दैट्स व्हाई इट इज दैट्स व्हाई इट्स सो कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इज नॉट इन एग्जॉस्टिव इन नेचर नॉट इन एग्जॉस्टिव इन नेचर। एग्जॉस्टिव इन नेचर मींस द लॉ इटसेल्फ इज अ कंप्लीट द एक्ट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट मगर यहाँ पे क्या है कि इट रिलेट्स टू सम सर्टेन काइंड्स ऑफ सम सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऑब्टेन इन सिविल सूट्स मींस व्हेन यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट आर यू प्रेजेंटिंग अ प्लान बाय वे ऑफ फाइलिंग अ प्लान यू आर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट। तो उस सूरत में ये जो एक्ट में जो कुछ स्पेसिफिक रिलीफ दिए गए हैं स्पेसिफिक रिमेडीज दी गई हैं वो होंगी अदरवाइज ये एक्ट जो है और कहीं पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी ये ऑपरेशन इन लॉ नहीं होगा। कहां पे होगा सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऑब्टेन इन सिविल सूट्स। अच्छा सिविल सिविल के क्या मतलब है चलो तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सिविल। जी
सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी का आपने पढ़ा होगा, वहां पे लिखा होगा कि एक्सप्रेस एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है, द सिविल शुड बी बार्ड इन सिविल नेचर, वहां पे एक वर्ड यूज हुआ होगा सिविल नेचर, क्या मतलब है इसका सिविल नेचर का? जी जी क्या मतलब है भाई सिविल नेचर का? ऐसा केस जिसमें पार्टी की प्राइवेट राइट्स इन्वॉल्व्ड हो। रिलेटिंग टू प्राइवेट एंड पर्सनल राइट्स एंड पार्टीज, राइट्स ड्यूटीज जो होती है प्राइवेट पार्टीज की, उनसे डील करता है जब आप क्रिमिनल लॉ, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है वो एज अ सोसाइटी तो डील करता है। ठीक है, सिविल का जनरली मतलब होता है कि जो राइट हो, राइट जो आप जो जो राइट्स जो है वो जब वायोलेट हो रहे हो। अब राइट रिलेट्स टू किससे होंगे वो अब डिपेंड करता है आपकी जो आपकी नेचर है, जो आपकी ग्रीवेंस है उस पे, कि वो ग्रीवेंस रिलेट किससे है। सबसे सबसे पहले ये बात आप समझे कि सिविल नेचर वर्ड है वो एक्चुअल में कहीं पे प्रॉपरली डिफाइन नहीं हुआ हुआ है। कुछ रूलिंग्स हैं उसमें ये जो है बात डिस्कस है कि सिविल मींस जहां पे राइट अफेक्ट हो प्राइवेटली हो, या उस बंदे का राइट अफेक्ट हो टूवर्ड्स देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे जो बात, यहाँ पे जो प्रीएम्बल में जो अल्फाज यूज है वो है कि रिलीफ ऑब्टेनेबल इन सिविल सूट्स, सिविल सूट्स। ठीक है, तो सिविल सूट्स, सिविल सूट्स जो है, अब मैं उस बात पे यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि अब सिविल सूट जो है उनकी भी क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास सिविल सूट, सेकंड क्लास सिविल सूट, या थर्ड क्लास सूट, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, उस पर हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं, उसको हम इसको आगे लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमें ये मालूम, ये पता होना चाहिए कि जो हम कानून पढ़ रहे हैं वो उसकी रिलेशन कहाँ पे बन रही है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी या उसके जो परव्यू है या उसके जो पैरामीटर्स हैं तो उसके जो है वो कहाँ तक हैं। तो ये प्रीएम्बल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो यही जो है वो डिस्कस कर रहा है या ये बता रहा है हमें कि कुछ रिलीफ, कुछ काइंड्स जो है वो हम लोग जो हैं इसमें हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वो रिलीफ जो है हम सीख कर सकते हैं कोर्ट से, किसके थ्रू? सिविल सूट के थ्रू, सिविल सूट के थ्रू हम वो सीख कर सकते हैं। मसलन केस से, मसलन हमें डिक्लेरेशन चाहिए तो हम सिविल सूट जो है वो इंस्टीट्यूट करेंगे और उसका टाइटल में क्या लिखेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर rectification of instrument, suit for revocation of contract, suit for specific performance of contract, suit for cancellation of instrument। ये 5 से 6 कुछ remedies हैं जो अब आप देखेंगे तो वो आपको एक हर एक सिविल सूट जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे आपको ये मिलेंगे। जो जो प्लेंट की जो टाइटल होता है उसमें ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसको एग्जॉस्टिव इन नेचर, नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर और प्रीएम्बल को समझने के बाद, इसको डिस्कस करने के बाद अब लोग हम लोग जो हैं वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो एक्ट नंबर 1 ऑफ 1877 है और उसके बाद 7 फरवरी 1877 को वो आया और इनफोर्स जो हुआ वो 1 मई 1877 को। ये जो किताब बुक्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कि इस एक्ट का जो स्ट्रक्चर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है,
इसको हम प्रिलिमिनरी पार्ट कहते हैं, जिसमें सेक्शन 5, 6, 7 जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ दो पॉइंट्स हैं जो मैं आप जो हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो एक्सप्रेशन, जो वर्ड्स, जो डेफिनेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई हैं, वो हम यहाँ पे उसको एज इट इज लेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी चीज अगर नहीं मिल रही है तो हम यहाँ से जो है वो जनरल क्लॉज एक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहाँ से जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चीज लिखी हुई है, जो डेफिनेशंस दी हुई है, जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसको हम ऐसे प्रिज्यूम करेंगे कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दी हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी नहीं है तो उसके बाद हम जाएंगे जनरल क्लॉज एक्ट में या दूसरा जो कंसर्न लॉ है उसमें। मसलन उसका मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे डिफाइंड है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो डिफाइन नहीं है। तो उसके बाद हम कहां पे जाके देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कौन सा लॉ है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वहां पे देखेंगे, वहां पे उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि जनरल क्लॉज एक्ट में क्या डेफिनेशन है, उसको भी हम टच कर लेंगे कि उसमें भी डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल, और उसके अलावा मसलन अब यहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जब हम रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे सारी की सारी बात हम जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या वो कॉन्ट्रैक्ट जो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हो, रिवोक किस सूरत में होंगे उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो एक्सप्लेन नहीं है। फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वहां पे देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, कि वो इसको रिवोक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल होता है, इनिशियल स्टेज पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है, प्रॉपर होता है, ऑफर भी होती है, एक्सेप्टेंस भी होती है, एलिमेंट कंसीडरेशन का होता है, उसके बाद एग्रीमेंट भी बनती है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी आके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जब ये चीजें हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम कहां पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को क्या डेफिनेशन है, क्या है। तो ये जहां पे जो भी वर्ड्स, जो भी डेफिनेशन, जो भी यूज नहीं हुई है तो वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर नहीं है तो उसका कंसर्न जो मूवेबल प्रॉपर्टी का लॉ है या इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉ है वहां पे जाएंगे। उसके बाद वहां पे भी अगर हमें कुछ चीजें नहीं मिल रही तो फिर हम जनरल क्लॉज एक्ट के तरफ जाएंगे। ठीक है, एक चीज ये आपको जहन में रखनी चाहिए। और सेकंड जो बात है वो है कि सेकंड जो इसमें मैं डिस्कस करना ये चाह रहा था कि ये जो सेक्शन 5 है, चलो सेक्शन 5 को हम प्रॉपर इसको डिस्कस कर लेते हैं बाद में, इसके स्ट्रक्चर समझ के फिर दो सेक्शन जो है, सेक्शन जो एक पीनल जो रिमेडी है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अवेलेबल नहीं होगी वो, और जो सेक्शन 5 है उसको हम ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये में स्ट्रक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो प्रिलिमिनरी पार्ट है, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 1 से सेक्शन 7 तक, और इसका कोई भी चैप्टर नहीं है। ये वो पार्ट है जिसमें कोई भी चैप्टर नहीं है, वो सिर्फ एक पार्ट प्रिलिमिनरी इसकी जो हेडिंग है, और सेक्शन 1 से सेक्शन 7 तक स्टार्ट होता है। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है वो एक्चुअली जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 8 से लेके, सेक्शन 8 से लेके, और वो जो है वो एंड होता है सेक्शन जो है वो 51 से, और उसमें चैप्टर्स जो है वो 8 चैप्टर्स हैं, जो सेकंड पार्ट है उसमें 8 चैप्टर्स है। अब ये सारी जो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ वो इंडेक्स जो है उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपको, कि हमें इस कानून में क्या क्या चीजें किस तरह से हमें कवर करनी है, क्या क्या चीजें को इंट्रो क्या है, ब्रीफली एक जो सिनारियो क्या है इस एक्ट का। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है वो डिस्कस कर रहा है कि ऑफ रिसीविंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इस जो ये जो चैप्टर है उसमें
चार सेक्शन जो है वो डिस्कस करने हैं हमें, 8, 9, 10, 11. अब यहाँ पे जो मेन जो थीम इस चैप्टर की ये है कि यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी पजेशन. अब इस चार सेक्शंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज ये है कि क्वेश्चन ऑफ डिस्पोजिशन और दूसरी चीज है कि टाइटल. जब आप इस ये जो चैप्टर जब हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि उसकी लिमिटेशन क्या है, किन सूरतों में जो है वो हम जो है वो फाइल कर सकते हैं सूट फॉर रिकवरी या पजेशन या टाइटल के बेस पे, या हम लोग इसकी आगे रिमेडी क्या है, या इसका सूट जो है उसका मैनर कैसे है, या उसके कनेक्टेड सेक्शन जो है सीपीसी में या अदर लॉ में कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. इन द एंड ऑफ द डे चैप्टर वन एक्चुअली डील्स विद द रिकवरिंग पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिकवरिंग पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वेदर दैट प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, whether that property is an immovable property, how the property will be recovered, the possession of the property recovered, what the manner is to be adopted, what are the limitations, what are the applicabilities, what kind of prayer can be seek while instituting the suit. ये सारी की सारी डिस्कशन जो है वो हम लोग जो है वो इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके अलावा पोजीशन इटसेल्फ इज इमीडिएट, वन इज इमीडिएट पोजीशन, एडवर्स पोजीशन क्या है, उसके अलावा जो है वो परमिसिव पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन की पिली को एस्टैब्लिश्ड कैसे करना है कि आपको डिस्पोज्ड किया गया है, उससे कनेक्टेड जो सीआरपीसी का एक प्रोविजन है 145 डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजीशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सेक्शन जो है वो कैसे अप्लाई होगा वहां पे क्रिमिनल लॉ में. तो ये चीजें हम लोग जो हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डील करता है आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के. और ये जो चैप्टर है वो वन ऑफ द लेंथी चैप्टर ऑफ दिस एक्ट, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 12 से और एंड होता है सेक्शन 30 से. और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो बेस है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो चैप्टर जो एक जो आया है वो इस डॉक्ट्रिन की वजह से, उसकी मेन जो 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 थी डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब मैं यहाँ पे एक बात जो है वो जब ये चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूँ उसकी हेडिंग या इसको आपको मैं बेस आपको बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये बात आप ज़हन में रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. चलें भाई कौन एक्सप्लेन करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स क्या है, क्या डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में? जी क्या डिफरेंस है भाई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में? हेलो सर. जी 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 सर, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में डिफरेंट ये है कि फॉर एग्जांपल ये दो हमने लाइंस पढ़ी है, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका मतलब ये सर, एक सिंपल जो प्रॉमिस होता है जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स All contracts are agreement, but all agreements are not contract. Yes, sir. Yes, sir. जी. All agreements are contracts. Sir, all agreement not contract. All contract, all agreements. अच्छा. Sir, इसका मतलब ये है जो agreement simple एक होती है, proposal offer होता है, उसकी acceptance होती है, promise होता है, उसको agreement कहते हैं. अगर ये contract तब होगा जब इसको legal enforce कराएंगे तो contract बन जाएगा. ठीक है, और कोई भाई? जी सर, जो consideration के जो agreement बनाए जाते हैं या कोई कंडीशन बनाई जाती है तो वो एग्रीमेंट होती है. अगर वही सेम जो
कंसीडरेशन के लिए जो एग्रीमेंट बनाया गया वो लॉ के थ्रू इन्फोर्स हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा और कोई सर, प्रोमिसी और प्रोमिसर के बीच में जो कंसीडरेशन होती है ना उसको सर हम एग्रीमेंट कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट और कोई जी? आमिर, वेयर इज आमिर? जी आमिर, मुझे आप बताएं क्या डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में? एग्रीमेंट में इन्होंने जो बताया वो सही बताया बिल्कुल। एग्रीमेंट में जो होता है वो हम प्रपोजल होता है, फिर वो उसको एक्सेप्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं, फिर कंसीडरेशन होती है तो इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, जो फॉर्मली इनफॉर्मली होता है। फिर जो उसको हम उसमें अगर लीगल प्रिंसिपल आ जाता है, अगर कोई लीगल एलिमेंट आ जाता है उसको लीगली कोई इन्फोर्समेंट उसकी होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और कोई और कोई यस सर जी जी जास यस सर सर जो मंसूर ने बात बताई कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्रीमेंट करते तो रहते हैं लोगों से, लेकिन हमें पता नहीं होता डिफरेंस का कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट। कि कॉन्ट्रैक्ट वो चीज होती है जो आपको लीगली बाउंड करती है, जो कोर्ट में एनफोर्सिएबल होती है। हर एग्रीमेंट आपके खिलाफ एनफोर्स नहीं हो सकता। अच्छा और भाई, देयर इज अ वेस अवेश कहाँ है? जी अवेश ठीक है बैठा इन वे पांजो जो क्वेश्चन आंसर देन प्लीज। अवेश हेलो सर, आवाज अच्छे भी? जी जी अच्छे भी बुड़ा सर। एक्चुअली मुझे कनेक्टिविटी इश्यू है ना, करे मैं भी ऑन डिस्कनेक्ट। ठीक है ठीक है ओके। अच्छा एहसान, एहसानुल्ला एहसानुल्ला जी देखें ये मैं इस चीज को आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट करके जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो ऑलमोस्ट जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो स्पेसिफिक रिलीज से कनेक्टेड हैं। अब मैं जनरली आके आपको ये डिस्कस करूं, ये हम पढ़ना शुरू कर दें। ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12 इज डिस्कसिंग the what are the situation in which specific performance can be performed and these are the situation in which in section 21 isme perform nahi honge, ye hoga wo hoga, this is not the way. Hum log ek ek cheez ko bilkul lightly dekhenge, lightly matlab is sab cheez ko nahi lenge, theek hai? Hum log pehle iski headings ko samjhenge aur iski heading ke jo words hain wo kya hain, jo contract act mein basic principle mein jo बेसिक प्रिंसिपल जो है हमारा एक्ट जो है उसमें किस तरह से उसको डिफाइन किया हुआ है उसको समझेंगे। क्योंकि काफी स्टूडेंट जाहिर है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था तो काफी स्टूडेंट को ये चीज जो है वो पता नहीं होगी। काफी स्टूडेंट जो है वो दे डू नॉट नो, दे प्रॉपरली डू नॉट अंडरस्टैंड
at that time the differences between the contract and the agreement are what is the voidable contract, void contract, what actually it means, consideration, promise, promissor, जो इस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड चीजें हैं. तो ये बेसिकली चैप्टर जो है वो डील कर रहा है ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो है क्या. कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ऐसे समझे कि ऑफर होती है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होती है अनलेस एंड अंटिल काउंटर ऑफर ना हो. ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद जो है वो एलिमेंट ऑफ कंसीडरेशन. कंसीडरेशन का जो एक जो कंसीडरेशन को हम इस तरह से समझे कि इसका एक लैटिन जो है वो मैगजीन से क्विड प्रो क्यू. क्विड प्रो क्यू मींस इन रिटर्न ऑफ समथिंग. कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन के बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी इवन एग्रीमेंट भी नहीं बनती है. चलो एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट या इस तरह के एग्रीमेंट दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट. बट जो एग्रीमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें कंसीडरेशन इसका नेसेसरी एलिमेंट है. तो कंसीडरेशन के बाद जो है वो एक एग्रीमेंट बनती है. एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, एलिमेंट ऑफ इनफोर्सिबिलिटी. इनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. जहां पे इनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट आ गया, जहां पे इनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट आ गया. क्यों एलिमेंट हम लगाते हैं, इनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट क्यों लगाते हैं, कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स उस कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रॉपरली जो है वो हम कोर्ट में जो ला सकें. अब सोशल एग्रीमेंट है, अब सोशल एग्रीमेंट में मसलन जो है वो आपके मसलन अब्बू हैं, वो आपको कहते हैं कि अगर आपकी जो है वो फाइनल ईयर में आपने जो आप गोल्ड मेडलिस्ट आपने ले लिया तो मैं आपको जो है वो ये ट्रीट दे दूंगा, या ये आपको मैं आपको आईफोन 5 या आईफोन 8 या जो भी है 6 वो लेके दूंगा. तो मसलन आप फॉर्चुनेटली आपकी पोजीशन आ गई, तो आप अब क्या क्या मैं क्या आप इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं. अब आपके अबू बोल रहे हैं पैसे नहीं है, अभी बाद में देखेंगे इस बात को. क्या आप इन्फोर्स करवा सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट. ऐसे ही बात थी या ऐसे ही एक एग्रीमेंट थी. इन तरह के एग्रीमेंट जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट, दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट इन कोर्ट. तो ये जो इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा सुना भी होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज. जब हम रिवोकेशन रिजाइंड जो ये इसका चैप्टर है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करवाना है तो एट व्हाट सिचुएशंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिवोक. तो वहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. फॉर द नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के इस चैप्टर जो है वो ये चैप्टर जो डील कर रहा है वो सेक्शन 12 से 30 सेक्शन तक डील कर रहा है. और इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं कि कुछ सेक्शंस इससे डील कर रहे हैं कि किस सूरत में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक परफॉर्म करना है, किस सिचुएशंस में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक परफॉर्म नहीं करना है, किस सिचुएशन में कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो आपको डायरेक्शन दे या ना दे, या किस सूरत में जो है वो कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकता है. तो ये जो सारी कुछ चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में 1 by 1 सेक्शन बाय सेक्शन उसको हम डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर जो है आपका सेकंड चैप्टर पार्ट टू का ये सेकंड चैप्टर जो था वो है. अब थर्ड चैप्टर जो है वो सेक्शन 31 से 34 तक है, जिसकी जो हेडिंग है वो है ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. अब दो अल्फाज यूज हुए हैं, पहले हम उसको टाइटल को समझते हैं कि जी रेक्टिफाई टू रेक्टिफाई. तो पहले इंस्ट्रूमेंट क्या है जी, कौन बताएगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या है? जनरल एक बता दें डेफिनेशन कि इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े होंगे. यस सर, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं ये होते हैं इंस्ट्रूमेंट. जी लीगल डॉक्यूमेंट्स,
जिस तरह हमने पढ़ा था कि सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें है, उसमें ये लिखा है कि रजिस्ट्रेशन जो होती है वो आपके इंस्ट्रूमेंट की होती है, प्रॉपर्टी की नहीं होती है। अब वहां से हम जो मतलब अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि जब जब आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कोई डीड बना रहे हैं, अब वो जो डीड है आपकी वो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसको रजिस्टर कराना है, आपकी अगर ट्रांसफर आपको वैलिड कराना है। अगर आपने वो रजिस्टर नहीं कराया तो आपका ट्रांसफर जो है वैलिड नहीं होगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, वहां पे ये भी बात लिखी हुई है कि जो आपका जो आपकी जो वैल्यू है वो 100 अपवर्ड है तो देट आर टू बी रजिस्टर्ड, देर विल नो लैम एक्सक्यूज रिगार्डिंग दैट कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो नहीं है। और ये भी मैं आपको आपको बता दूंगा, सेक्शन 17 की आपने बात की है कि 17 के साथ अगर जब आप 49 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो अगर आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं करवा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और एक ऐसा भी सेक्शन होगा जहां पे ऑप्शनल 18 सेक्शन में आप ऑप्शनल जो है वो रजिस्ट्रेशन के जो है वो डिस्कशन है, जहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि गिफ्ट डीड जो होती है वो ऑप्शनल में आती है। मगर चलो सबसे पहले मुझे इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन जो है और जो है वो कुछ इसमें जो है ऐड करें। काफी माशाल्लाह अच्छी अच्छे स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के, पता नहीं कहाँ है, कोई स्क्रीन में नहीं आ रहा है। सर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो एक डॉक्यूमेंट होता है लीगल, वो राइट या कोई ऑब्लिगेशन वगैरह क्रिएट करता हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। और अरशद हो गया, ठीक है भाई। और अलीम है, अलीम अलीम जी, और कोई भाई? या इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करें कोई। जी अवेश टालपुर 41, नाम ही लेने पड़ेंगे अब तो मुझे। सर वो आपके राइट्स डिक्लेयर करते हो या कोई एप्लीकेशन आपके डिक्लेयर करते हो वो इंस्ट्रूमेंट सर। ठीक है, और कोई? सर आंसर दिए थे चैट में सर, आपने देखी नहीं? जी सर वो प्रीवियस सवाल पूछा तो एग्रीमेंट है ही कॉन्ट्रैक्ट है सर, उन्हें जा मु कंटिन्यू ऑन में चैट में नोम करो आने मुझे चैट में नहीं दिसना था।